हेलो जी, सत श्री अकाल। मैं राजविंदर तुहाडा स्वागत करदी मेरे चैनल राजविंदर के ते। अज आपां बनावांगे पत्ता गोभी दे परौंठे। जिदा आपां गोभी खा खा के बोर हो जांदे आ तां थोड़ा डिफरेंट चाहीदा हुंदा है, सो आपां अज पत्ता गोभी दे परौंठे बनाउणे आ। ते आ जाओ कि आपां शुरू करदे आ। उहदे लई सब तों पहलां मैं लिया 1 कप आटा लिया आ। कोई भी तुसीं आटा ले सकते हैं। तो उस तो बाद आप पाने ये पत्ता गोभी। पत्ता गोभी मैं जरा ग्रेट कर लिया है, तुसीं जे कट के पाने तो ब्रीक कटिंग करके पा सकते हैं। तो उस तो बाद पावे आप थोड़ा जहाँ हरा धनिया धनिया जहाँ मतलब कि पत्ते वाला हो पत्ते भी पा सकते हो तुम। उस तो बाद आप ऐड करा थोड़ा जहा बेसन ता कि जो परौंठा अपना बहुत ज़्यादा टेस्टी बने। तो अस 1 कप का चौथा हिस्सा जिदा कहते हैं पा लेना है। उस तो बाद आप मसाले ऐड करा। सब तो पहला धनिया पाउडर मैं पाया। तुसीं गर्म मसाला भी यूज़ कर सकते हैं, पर फिर जनी रोटी आ थोड़ी बहुत मसाले वाली बन जाती है। सॉल्ट जिहड़ा तुसीं अपने अकॉर्डिंग टू टेस्ट लेना है। तो थोड़ा जिहा टर्मरिक पाउडर पाउणा है आपां, देखो 1/2 चमच आ ही छोटे वाला। इहदे नाल जिहड़ा रोटी का कलर बहुत सोहना आता है, तो उहदा भी टर्मरिक पाउडर जिहड़ा थोड़ी हैल्थ वाइज काफ़ी गुड हुंदा है। सो आपां इन सारे नूं मिक्स कर लेना। देखो गोभी ने जिहड़ा पानी छड्डिया सी सॉल्ट दे नाल, उहदे नाल ही आपां सारा आटा मल लेना। सब तो पहले तुसीं पानी नहीं ऐड करना है, तुसीं सब तो पहले इहनूं ऐदां मिक्स करना है। जिद्दां जिन्ना तुसीं इहनूं आटे नूं मल सकदे हो उन्ना ही तुहाडा परौंठा जिहड़ा बहुत नाइस बनेगा। सो आपां इहनूं पहले आटे नूं इहदा मल लेना है। मलन तो बाद आपां इहदे विच 1 तों 2 चमच सिर्फ पानी पाउणा है। वध पानी नहीं पाउणा क्योंकि फिर साडा आटा जिहड़ा डो आ चंगी तरह रेडी नहीं होना हैगा, तो रोटी साडे परौंठा वधिया नहीं आउणा। तो फ्रेंड्स, मेरी रिक्वेस्ट है जे तुसीं पहली बार मेरे चैनल पर विजिट करदे प्लीज़ मेरे चैनल में सबसक्राइब करो, वीडियो लाइक करया करो, शेयर करया करो, तो कमेंट करके दस्या करो वीडियो किदां दी लगी। तो आप सिर्फ 1 तों 2 चमचे पानी के यूज़ करने हैं। तो सिर्फ आप आटे नूं मलना है, तो आप आटे नूं रेस्ट पर छड्ड देना। 10 मिनट आप रेस्ट नूं देनी है। देखो आटा अपना बन के तैयार हो गया। आपां इहनूं ऐदां ही बस मल लेना है। थोड़ा जिहा आपां तुसीं देसी घी ला सकते हैं, कुकिंग ऑयल ला सकते हैं अपने हाथ नूं, ते थोड़ा जिहा आटे दे उत्ते डो ते ला लेना है। डो ते लाउण दे नाल फिर डो तुहाडा जिहड़ा काफ़ी सॉफ्ट हो जाता है, तो वह काफ़ी नाइस बनते हैं फिर परौंठे। देखो आपां इहनूं इदां मल लेना है, मतलब कि आपां इहदे जिहड़े पेड़े उह बना लेने आ। जिन्ने पेड़े भी बनोंगे आपां उह बना लेने आ। उस तो बाद आपां परौंठा इहदा बेल लेना है। परौंठा जदे तुसीं बेलना उह तों पहलां आपां तुसीं तवा ऑन करके गैस रख देना, तां कि जिहड़ी आ तवा चंगी तरह गर्म हो जाए। ठंडे तवे ते बिल्कुल परौंठा नहीं पाउणा, फिर उह नाल चिंबड़ जाणा है, तो वह सोहना नहीं लगना। देखो परौंठे का जब तक कलर चेंज नहीं होंगे उदों तक आप साइड आप बिल्कुल चेंज नहीं करनी हैगी। जो यदा कलर चेंज हो गया साइड का, फिर आप परौंठा का दूसरी साइड करनी है। तो बटर तुसीं उपर भी ला सकते हैं, तवे ते ते ला के भी ला सकते हैं, तुहाडी चॉइस है तुसीं कितना बनाना चाहते हैं परौंठा। तो आप हुण इहदी साइड चेंज कर दिंदे आ। देखो कलर चेंज हो गया है, देखो परौंठे कितना सोहना कलर आया है। तो हुण आपां इहदे बटर रेड बटर जां देसी घी कुकिंग ऑयल कोई भी तुसीं यूज़ कर सकते हैं इहनूं अप्लाई करने लई। आपां हुण इहदे उत्ते मैं देसी घी यूज़ कर रही हाँ क्योंकि परौंठा जिहड़ा देसी घी दे नाल ही स्वाद लगता है। देखो कितना सोहना कलर आया परौंठे का, तो परौंठे आपने कितना सोहना पक गया है। तुसीं जिहड़ा पहलां तवा उह चंगी तरह गर्म कर लेना, उस तो बाद आपां फ्लेम जिहड़ा घटा देना है, मीडियम हीट पर पकाउणा है। जे तुसीं ज़्यादा हीट पकाओगे फिर परौंठा जल जाना है। परौंठा देखो अपना कितना सोहना पक गया है। हुण आपां दूसरा परौंठा इत्थे पका लेंगे, तो परौंठे आपां सारे इत्थे बना लेने आ। देखो कितने सोहने परौंठे बने। तुसीं इहनूं दही नाल सब्जी नाल जां अचार नाल सॉल्ट नाल जिद्दां तुसीं मर्जी तुहाडी चॉइस है तुसीं इहनूं खा सकते हैं। वीडियो देखने लई